बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये अक्टूबर नवंबर 2004 पेपर वन क्वेश्चन 34 है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम हो रही है एक थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर इज कैप्ट इन द एयर इज एट रूम टेम्परेचर। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वे इन विच द करंट आई इन द थर्मिस्टर डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट। अच्छा भाई, इस शेर में शायर ये बोलना चाह रहे हैं कि बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं थर्मिस्टर लगा दूँ किस पे, एक किसी कोई लग कोई करंट पासिंग कंडक्टर है इसमें, तो अगर मैं वी जी कसु आई आर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ यहाँ पर, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो इससे मुझे इससे मुझे ये पता चलता है कि ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा एम है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक्स एक्सिस पे आई आना चाहिए, वाई एक्सिस पे वी आना चाहिए, पहली चीज़। तो अगर मैं इन सारे ग्राफ्स को उल्टा कर लूँ तो ग्राफ ए मुझे बता रहा है ये आई, और अगर मैं ये वी बनाऊं तो ये आई से शुरू होके वी पे जा रहा है इस तरह से, ये ए है। अच्छा, बी अब मुझे क्या बता रहा है, वही कर लेते हैं फिर से। आई से स्टार्ट हो रहा है और वी से दूर जा रहा है ये इस तरह से, मोर और लेस लाइक दैट। अच्छा, इसी तरह अगर मैं सी बनाऊं तो सी, ये आई है ये वी है, तो सी इस तरह से जा रहा है। और डी भाई साहब आजकल कैसे घूम रहे हैं इसको भी देख लेते हैं, तो डी भाई साहब आई के से दूर जा रहे हैं। तो ये डी भाई साहब ऐसे हैं। अब कंसीडरिंग द फैक्ट कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, पहली बात। दूसरा मुझे ये बोल रहा है कि इसमें बताओ आप क्या बता रहे हो, विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द वे इन विच द करंट आई इन द थर्मिस्टर डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, ये मेन चीज़ है यहाँ की। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम हो रही है। अच्छा, अगर मैं ए को देखूँ या फिर यहाँ पे देखूँ तो इसका मतलब होता है नेगेटिव ग्रेडियंट। दिस नेगेटिव ग्रेडियंट इज शोइंग यू कि आपकी रेजिस्टेंस नेगेटिव में बढ़ रही है, सही है, सॉरी कम हो रही है, पहले कम थी, पहले ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, सही है। इसमें रेजिस्टेंस कम है लेकिन नेगेटिवली कम है। इस पर आओ, इसमें इनिशियली बहुत ज़्यादा ग्रेड हुआ है रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। ये ग्राफ मुझे ही बता रहा है ना ये वाली चीज़। लेकिन मसला क्या है, ये बोल रहे हैं कि जब वोल्टेज कुछ भी नहीं था ना तो करंट बहुत सारा था, तो दैट इज़ अगेन रॉन्ग। ये बात सही कर रहा है लेकिन मसला इसका ये है कि जब ये बोल रहा है कि जब करंट बहुत ज़्यादा था जब मेरे पास वोल्टेज ज़ीरो था, ऐसा तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। आओ ज़रा सी को मद्देनज़र रखें। अब इनिशियली ये ज़रा प्यार से तमीज़ से स्टार्ट हो रहा है, इसका ग्रेडियंट इनिशियली बहुत ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम, मज़ीद कम, मज़ीद कम, और यही हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, तो ये बात थोड़ी कुछ समझ आ रही है। इस पे देखो, रेजिस्टेंस इनिशियली कम है फिर इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका एक ही आंसर बन गया, दैट इज़ योर सी। अब अगर जल्दी जल्दी करना है तो बस ये ख्याल रखो कि 1/ ग्रेडियंट इस वाले केस में मेरा रेजिस्टेंस होगी। अब ये तो गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इनिशियली ये बता रहा है कि मेरा पहले से ही स्टार्ट हो रहा हूँ, एक तो ये चीज़ हो गई। अब इस पे देखो, इस पे इसका ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब दूसरे केस में इसका ग्रेडियंट मतलब रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, क्योंकि ग्राफ के वो उल्टे बने हुए एक्सिस। इसी तरह इसमें ऐसा लग रहा है ग्रेडियंट कम हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो रही है, लेकिन ये गलत बात है, इसकी रेजिस्टेंस असल में 1/r है। तो जैसे जैसे ग्रेडियंट कम होता जा रहा है मेरे पास ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जा रही, दिस इज रॉन्ग। तो इसका आंसर इसीलिए सी होगा मेरा।